हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विजीन गैलरी में। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवई की खीर। इसे मैंने केसरिया सेवई का नाम दिया है, या इसे आप केसरी सेवई भी बुला सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने की आसान रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हमें सेवई बनाने के लिए सेवई को भून के तैयार करना होगा। इसके लिए गैस ऑन के रखेंगे तवा गर्म होने के लिए, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। सेवई को भूनने के लिए मैंने तवे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसे भून सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और सेवई को इसमें डाल देंगे भूनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने करीब 1 कप सेवई ली है बारीक वाली, इसे मैंने अच्छे से तोड़ लिया है छोटे टुकड़ों में। सेवई को हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनना है। तवे पर भूनने से सेवई का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे आप तवे पर भूनें। तो ये देखिए, सेवई को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, सेवई का कलर चेंज हो चुका है। तो इससे ज़्यादा इसे हम नहीं भूनेंगे, इसे हटा के एक साइड रख देते हैं और प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इस पर हम रखेंगे दूध गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को मैंने गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया है और इसकी मलाई को निकाल लिया है। आप चाहें तो मलाई वाला दूध भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने सेवई को भी प्लेट में निकाल लिया है। अब दूध में उबाल आने का वेट करेंगे। दूध हमारा हल्का गर्म हो चुका है और यहाँ पर मैंने लिया है 7 से 8 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसमें से थोड़ा सा दूध इसमें हम डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसे। ध्यान रहे दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे केसर, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और कलर दोनों आएगा। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे रख देंगे इस साइड, और हम दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। दूध को हमें कम से कम 8 से 10 मिनट तक उबालना है। तो इसे इस तरीके से हाई फ्लेम पर चलाते हुए उबाल लेंगे बीच बीच में, जिससे कि ये नीचे से पकड़े नहीं। तो ये देखिए, मैंने दूध को चलाते हुए अच्छे से उबाल लिया है करीबन 10 मिनट तक। दूध हमारा पहले से गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर, जिसे हमने दूध में घोल के तैयार किया था। ये देखिए, केसर का कलर भी इसमें आ चुका है। अच्छे से मिला लेंगे चलाते हुए, और चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका भी लेंगे इसे। और अब इसमें हम डाल देंगे सेवई, जिसे हमने भून के रखा था। और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। सेवई डालने के बाद इसे हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बादाम, काजू और पिस्ता लिया है, और साथ में लिए चिरौंजी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। वापस से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम रखी है, और अब इसमें ऐड कर लेंगे शक्कर, जो कि रहेगी एज पर टेस्ट। यहाँ पर मैंने 6 से 7 चम्मच शक्कर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिला लेंगे और हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से पका लिया है। गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे, इससे ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे। इसे रख देते हैं हल्का ठंडा होने के लिए, और फिर इसे हम सर्व करेंगे। गैस बंद करने के बाद लास्ट में इसमें हम डालेंगे कुटी हुई इलायची, जिसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आएगी। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। तो हमारी सेवई बन के तैयार है। ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ी होगी। तो ये देखिए, ये हल्की ठंडी हो चुकी है, और देखिए केसर का कितना बढ़िया कलर आया है इसमें। और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करने से खीर काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रख के ठंडा सर्व करने पर ये और भी गाढ़ी और टेस्टी हो जाती है। तो इसे हम एक बोल में सर्व कर लेते हैं। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है, और इसे हम गार्निश कर लेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट से, काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी से।
तो फ्रेंड्स, केसरी और सेवई बन के तैयार है। सेवई बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दबाएं बेल बटन, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएँ।